तुझे देखा तो ये जाना सनम। वहाँ पे जाके दिखाऊंगा कि होटल कैसे लेता हूँ, होटल लेके कहाँ खाना वगैरह खाता हूँ, उसके बाद दीघा में नहाने का भी सब एक ही ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा, ऐसा सोचा है यार। इसलिए ब्लॉग को लास्ट तक देखना, और भी मजेदार होने वाला है। 1200 रुपया करके पार्टी लगेगा, 1000 रुपया करके है। और रश बहुत ज्यादा ही रश है यार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, यू आर वाचिंग रुक्षामेम ब्लॉग। अभी तो ट्रिप है दीघा जाने का। तो वेस्ट बंगाल में दीघा मतलब हर बंगाली का एक सपना रहता है, और कोई कोई भी बोलता है कि मैं बहुत बार गया हूँ, लेकिन जितनी बार जाओ दीघा लेकिन मन ही नहीं भरता है यार। इस ब्लॉग में आप लोगों को क्या, कौन सी ट्रेन में जाओगे, होटल कौन सी लोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो सब कुछ इसी ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ब्लॉग को लास्ट तक देख, और भी दीघा का ब्लॉग आएगा वो देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। मैं फिलहाल वो हावड़ा स्टेशन के 17 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो दीघा जाने के लिए नॉर्मली 3 ट्रेन रहता है। तो ए वाली मैं जो ट्रेन में जा रहा हूँ वो ट्रेन है 6:50 को, अभी टाइम हो रहा है 5:42। सो ये ट्रेन नंबर है 12857 ताम्रलिप्ती एक्सप्रेस। तो ए वाली जो ट्रेन है नॉर्मली 17 नंबर प्लेटफॉर्म पे हर दिन सुबह 6:50 को छोड़ता है दीघा के लिए। तो दीघा जाने के लिए अप्रोक्स 5 आवर्स लगता है, मेरे पास है अप्रोक्स 1 घंटे के ऊपर। तो ट्रेन आने तक मैं घर से आया, उसका थोड़ा थोड़ा वीडियो वगैरह बनाया ट्रेन आने का इंतजार करते करते, वो थोड़ा देख लीजिए। ट्रेन आने के बाद स्टार्ट करते हैं सफर। और मेरे साथ कौन कौन है, ये देखो मेरे साथ इधर सोहन और इधर है शाफी। सो इस ट्रिप में हम 3 जने जा रहे हैं। नॉर्मली तो मैं और सोहन जाता हूँ, लेकिन इस प्लान में तो 4-5 जन थे यार, मतलब 4-5 दोस्त थे एक साथ जाने का, लेकिन लास्ट टाइम हम लोग सिर्फ 3 जन ही कन्फर्म हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है रात का 11:11। मेरा सफर स्टार्ट होता है मुर्शिदाबाद का एक छोटा सा स्टेशन बेलडांगा से, और मेरा ट्रेन है 11:40 को। देख सकते हो स्टेशन इतना शांत है ना यार, कीड़ा मकोड़ा का आवाज सुनने को आ रहा है। सुकून से सुनो, अच्छे से आ रहा है ना। अभी 11:40 को मेरा ट्रेन है, अभी ट्रेन पे चढ़ेंगे, उसके बाद हम फाइनली ट्रेन के अंदर। टाइम 4:40। ट्रेन में चढ़ने के बाद कब सो गया था पता नहीं, उसके बाद एक बस लेके पहुंच गए हावड़ा स्टेशन। बस बहुत जल्दी पहुंच गया बिकॉज ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं था। हावड़ा स्टेशन के नीचे एक चाय का चुस्की 5 बजे। सो फाइनली हम लोगों का ट्रेन तो आ गया। तो अभी हम लोग खड़े हैं D9 पे, हम लोग को जाना है D4 पे, हम लोग का कोच है D4। तो भाई एरा हम लोगों का D4, अभी चलते हैं अंदर। भाई साहब ट्रेन तो मस्त है, और ये हम लोग का सीट नंबर 100 101 102 123। ये 3 उधर बैग वगैरह भी रख दिया है। तो अभी सफर तो स्टार्ट है यहाँ से ही। अभी टाइम हो रहा है 6:55, अभी तक ट्रेन लग नहीं पता नहीं, और ट्रेन का सीट मतलब सांगली। फाइनली हावड़ा स्टेशन छोड़ दिया, बहुत स्लो स्लो जा रहा है यार, मतलब फास्ट भागेगा। About to blow back up, here I'll never let the doubt creep in, gotta pop a couple more aspirin. तो भाई अभी फर्स्ट स्टॉप है सतरागाछी जंक्शन, तो छोड़ दिया। अभी सतरागाछी जंक्शन छोड़ के जा रहे हैं। और भाई ट्रेन तो मस्त है यार, ट्रेन के बारे में क्या बताऊं, ट्रेन का सीट वगैरह सब मस्त है। चलो अंदर जाके निकल आओ थोड़ा। ट्रेन का सीट वगैरह तो मस्त है, उतना रश तो नहीं है, बिकॉज
क्योंकि ट्रेन में क्या रहता है रिजर्वेशन, यानी कि पुल आउट रिजर्वेशन वाला भी उठ के ट्रेन में बहुत रश होता है, लेकिन ट्रेन में तो नहीं है और ट्रेन का सीधे आप लोग देख सकते हो पीछे तो इधर भी मस्त यार, ये वाली है D5 और हम लोग आए D4। तो ट्रेन तो मस्त लगा, तो भाई अभी हम लोग आके पहुंचे हैं कांति करके एक स्टेशन है और दीघा पहुंचने के लिए अप्रोक्स 1 घंटा तक लगेगा। सो अभी उतना वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूँ, वहाँ पे जाके दिखाऊंगा कि होटल कैसे लेता हूँ, होटल लेके कहाँ खाना वगैरह खाता हूँ, उसके बाद दीघा में नहाने का भी सब एक ही ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा ऐसा सोचा है यार, इसलिए ब्लॉग को लास्ट तक देखना और भी मजेदार होने वाला है। सो अभी तो कांति छोड़ दिया और ये सुहान का सेटअप देखो, ये तो अभी कैमरा में ब्लॉग बनाएगा बोल रहा है आजकल, मतलब ये दीघा का जितना भी ब्लॉग आएगा सुहान का कैमरा में बनाएगा, उसका क्वालिटी भी बहुत ही मस्त होने वाला है यार। उसके चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसका चैनल का लिंक भी देखो मेरा डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो यार सुहान ब्लॉग्स। सुहान ब्लॉग बहुत चले हैं, अमीरत भी बताए क्या 3-4 चले हैं, मिलियंस के ऊपर व्यू है इसका, यूट्यूब से खा देता इसको। तो भाई फाइनली पहुंच गया जी, लेकिन सब लोग देखो कैसे उतर रहे हैं यार, लेकिन आप लोग लास्ट में उतरे थे और एक बार भाई देखो पूरा तो खाली हो गया, इसलिए हम लोग बाहर सबसे लास्ट में। ओ भाई साहब कितना रश है यार। तो भाई अभी तो स्टेशन पहुंच गए, अभी चलते हैं होटल पे, होटल वगैरह कैसा है या नहीं है जाके देखते हैं। ये देखो भाई कितना रश है, कितना रश है। Not every day, living dreams for a pay stub. Yeah, straight up. 5 years later, like I said, I would make it on my way up. It's all up. Coming from the nation, made a foundation, true stuff. Har ek bangali ka happiness matlab Digha. So welcome to Digha. Finally, hum log Digha pahunch gaye. Digha station se 1 to 1.5 minute chalne ke baad aapko लेफ़्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज लेफ़्ट में है बीच, आपको राइट साइड भी होटल मिल जाएगा, लेफ़्ट में भी मिल जाएगा, बट लेफ़्ट में आप बीच के सामने आप होटल लेना चाहते हो तो लेफ़्ट में सीधा जाके आपको बहुत सारा होटल मिल जाएगा। सो गाइस ये वाली एक होटल है, अभी जाते हैं, इसका नाम देख सकते हो मारीना होटल, नहीं देखा जाके अभी पूछते हैं होटल का रेंट वगैरह क्या है। आदमी कितना है? 3 आदमी। कितना दिन रहना है? 2 दिन। दो रहना है। 1200 रुपया करके पर डे लगेगा, 1000 रुपये करके है, 1000-1200 रुपये करके लगेगा, 1000 है, 1200 रुपये है। 1000-1200 में क्या डिफरेंट है? वो सेकंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, ऐसे ही डिफरेंस है कुछ नहीं। तो भाई ये होटल तो हम लोगों ने प्राइस वगैरह पूछा होगे, सो ये होटल में हम लोग नहीं गए बिकॉज यहाँ का प्राइस तो ठीक ठाक था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ये जो होटल देख सकते हो आप पेंट हो रहा है न्यू, तो पेंट होने के टाइम में बहुत गंदी बदबू मार रहा है यार, इसके लिए अभी देखते हैं दूसरी वाला। तो भाई यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे बोल रहा था कि पर नाइट 1800 रुपये एसी और नॉन एसी 1500 रुपये, ये वाली होटल देख सकते हो, लेकिन देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पे इतना रश है यार, उसके सामने मतलब इसके काउंटर पे इतना रश है, मैं तो बात करने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा बात किया, लेकिन बोला कि 1800 रुपये करके लगेगा और नॉर्मल 1500 रुपये। अब चलते हैं दूसरे होटल पे। तो भाई ए वाली होटल पे गए थे हम लोग, तो ए वाली इस पे बोल रहा है कि इसमें नॉन एसी वगैरह कुछ है नहीं, सब में एसी है। इतना साउंड है यार, नॉन एसी वगैरह कुछ है नहीं, सब में एसी है, तो इसका प्राइस बोल रहा है 2400 रुपये। एसी तो भाई ए वाली होटल पे गए थे, इसको वो ये बोल रहा है कि 2200 रुपये नॉन एसी और एसी 2700।
मतलब 2700 रुपये करके यार। अभी चलते हैं दूसरे होटल में। वनडे नहीं बना सैडे नहीं बना पॉइंट पे पॉइंट ओनली 2300 एसी अब विदाउट एसी वनडे नहीं उधर ड्रेस बना साइड उधर ड्रेस 1800 तो भाई ये वाले जो होटल बोल रहा था 1800 विदाउट एसी 1800 विदाउट एसी और एसी 2200 रुपये। और भाई मैं जो होटल दिखा रहा हूँ ना ये होटल ये देखो साइड पे बीच के सामने मार्केट और पास में होटल ऐसा है। तो भाई ये वाली जो होटल देख सकते हो इसका नॉन एसी ग्राउंड फ्लोर में है 1200 रुपये करके और ऊपर है फर्स्ट एसी उसका प्राइस बोल रहा है 2500 रुपये करके। मतलब यहाँ पे जो मैं जितना भी होटल देखा यार यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है ओके, क्योंकि आप जाके आप बर्गेनिंग करोगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आपको फेस देख रहा है फेस देख के उसके बाद सोच रहा है उसके बाद बोल रहा है कि प्राइस। तो भाई ये वाली होटल पे जाते हैं देखते हैं क्या बोलते हैं। भाई ये वाली है बीच के सामने एक होटल है उसका साइड में तो इसका प्राइस बोल रहा था ये जो ब्लू वाली दिख रहा है तो इसका प्राइस बोल रहा है 1800 रुपये एसी का और नॉन एसी का 900 रुपये, मतलब पूरा आधा बोल रहा है यार। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं जो दलाल वगैरह मिल रहे हैं ना तो वो लोग ऐसे बुला रहा था तो अभी जाके उनका होटल देखते हैं उनके होटल कैसा है। तो चलो चलते हैं चल के देखते हैं कि दलाल लोग क्या बोलता है कैसा रेट है कैसा प्राइस है ऐसा सब देखते हैं चलने के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो योलो वाला दिख रहा है तो ये वाली होटल है तो अभी चलते हैं अंदर जाके देखते हैं प्राइस वगैरह क्या है। भाई अभी हम लोग जा रहे हैं रूम देखने के लिए। तो भाई ये रहा रूम और बाथरूम ऐसा है बाथरूम तो थोड़ा गंदा ही लग रहा है यार। तो भाई इसका रूम तो ठीक ठाक था लेकिन इसका प्राइस बोल रहा था 3000 तो इसका प्राइस बोल रहा था 3000 दो दिन का लेकिन रूम ठीक ठाक था लेकिन बाथरूम उतना अच्छा नहीं था यार इसके लिए मैं मना कर दिया। अच्छा लग रहा है लेकिन देखते हैं इसका प्राइस वगैरह क्या है। तो ये वाली ये वाली और एक रूम है उसका साइड में बालकनी यहाँ पे एसी ऐसा सीन है। तो भाई इसका प्राइस बोल रहा था 5000 कुछ ओके, तो 5000 कुछ मतलब इससे अच्छा तो वो फॉन्ट में था यार ये फॉन्ट का थोड़ा पीछे टाइप में। A few moments later. तो गाइस फाइनली तो रूम तो ले लिया है इधर का पूरा सेटअप मेरे हाथ में पकड़ा दिया और सोहन प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा है मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहा है ये देखो। अभी टाइम हो रहा है 11:33 मतलब पूरे एक घंटे से ऊपर हो गया हम लोग का रूम ढूंढते रूम। तो गाइस ये रूम देख सकते हो ये रूम है मस्त मस्त भाई टीवी भी है यार यहाँ पे तो ये है नॉन एसी ओके तो यहाँ पे एसी तो यहाँ पे एसी वगैरह नहीं है। इस रूम का प्राइस है ओनली 800 दो दिन का 1600 रुपये। ये देखो आके कैसे गंदा किया देखो खुद ने गंदा का पूरा सब गंदा वगैरह करके अभी सो गया। ये रूम लेने का रीजन मतलब रूम पे है इंडियन कोमोड और ये भाई साहब को
इंग्लिश कमांड पे जनता नहीं है, कमांड में जाएगा इसलिए इतना ढूंढ रहे थे हम लोग। तो भाई जिस रूम जिधर भी गए, इससे भी छोटा होटल, इससे भी बड़ा होटल, जिधर भी गए इंग्लिश कमांड ही दिखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अभी फाइनली मिला है इंडियन कमांड। सो आप देख सकते हो यह बाथरूम का छोटा सा सीन, यहाँ पे बाल्टी भी है, सब कुछ है सब। तो अभी चलते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए, मतलब बीच में नहाने के लिए, तो ब्लॉग में बने रहे यार। सो गाइस अभी रूम से निकले हैं बाहर और होटल का व्यू ये रहा। ओके सो होटल का व्यू ये रहा, अभी आए हैं बाहर, अभी जाते हैं बीच में थोड़ा फ्रेश होने के लिए ब्लॉग। तो भाई होटल से निकलने के बाद ही ये देखो सामने, ठीक सामने है मित्रा कैफे, और इस साइड में थोड़ा सा रेस्टोरेंट एंड थोड़ा सा सामान वगैरह, टी शर्ट वगैरह भी बेच रहा है यार, मतलब टी शर्ट रेस्टोरेंट वगैरह है। अभी चलते हैं थोड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, बिकॉज बहुत भूख लगा है यार। ये देखो इधर मित्रा कैफे है, इधर वाव है। सो अभी चल, भाई रेस्टोरेंट तो पूरा फुल है यार, तो अभी अंदर लेके आए भाई साहब, अभी देखते हैं मेनू देखा है। सो ये रहा यहाँ का मेनू वेज थाली, कतला थाली, पॉम्पलेट थाली, सब थाली है, थाली सबसे पहले दिया है। और ये होटल का नाम, और ये रहा छोटा सा मेनू। हम लोग आज का लंच राइस, सब्जी, फिश, दाल, चटनी, दही एंड स्वीट, कोलकाता का रसगुल्ला। तो भाई यहाँ पे कर लिया लंच, कंप्लीट हो गया। अभी ठीक सामने है समुंदर यार, चलो समुंदर पे। तो गाइस फाइनली आ गए बीच के सामने, आप देख सकते हो पीछे, और रश बहुत ज़्यादा ही रश है यार। तो आप लोग चिल करने के लिए आ रहे हो ना, तो इस टाइम पे ईद के बाद कभी भी मत आओ यार, क्योंकि रश देखो यार, आपको नहाने किधर भी मिलेगा, कुछ किधर भी नहीं मिलेगा, इतना रश है। तो मैं ऊपर उठा दिखा दो, ये देखो कितना रश है। जो भी है चलो जाते हैं समुंदर के किनारे पे, अंदर तो नहीं जाएंगे यार, किनारे पे जाएंगे, जाके थोड़ा नहा के आ जाएंगे। Working hard every day, living dreams for a pay stub. Yeah, straight up. 5 years later, like I said, I would make it on my way up. It's all up. Coming from the nation, made a foundation. True stuff. Yeah, too tough. We ain't giving up. तो भाई अभी पानी पूरा ऊपर है यार, नहीं तो फिर पानी बहुत नीचे रहता है, ये देखो पत्थर और पानी एक साथ ही है, तो इसके लिए अभी जाने के लिए बहुत ही मुश्किल है। समंदर का तैयार करके तो आए, और नहाने का जगह उधर है, लेकिन इस साइड में भी रश हो रहा है यार, क्योंकि इतना रश है ना उस साइड में, तो इतना रश है ना उस साइड में, तो फिर से चलते हैं। और मजा बहुत ज्यादा आ रहा है यार, ये लोगों को शोहान तो पूरा आँख में पानी गया, मुंह में पानी गया, और मुंह सॉल्टी हो गया, मतलब सॉल्ट जैसा लग रहा है, नहीं पिया इसके लिए मुंह सॉल्टी हो गया, और मजा तो बहुत आ रहा है। तो चलो फिर से चलते चलते मैं फिलहाल हूँ ओल्ड दीघा पर। हम लोग नहाने के बाद रूम पे गए थे, रूम पे जाके इतना थक गए थे ना, रूम पे जाते ही सो गए। सोने के बाद हम लोग उठे कितने बजे पता है, छः बजे कुछ, तो 6 बजे उठने के बाद किधर भी नहीं जा पाए हम लोग, को एक जगह जाने का प्लान था बट नहीं हुआ यार, तो 6 बजे के बाद अंधेरा हो गया था, इसलिए हम लोग आए थे थोड़ा ओल्ड दीघा पर। सो ओल्ड दीघा पर थोड़ा घूमने के बाद थोड़ा शॉपिंग वगैरह किया, और एक चीज़ अच्छा लगा यार, यहाँ पे लिखा है आई लव दीघा। सो ये मैं 5-6 साल पहले आया था, और तब ये आई लव दीघा ये स्पॉट नहीं था, सिर्फ विश्व बांग्ला का स्पॉट था। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे थे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए, और इस ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पर एंड। मिलते हैं बहुत जल्द दीघा का और एक नया ब्लॉग लेके, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है यार, बिकॉज दीघा पे ऐसी एक जगह है जहाँ पे गोवा का फीलिंग्स आता है,
हाँ आपने सही सुना, गोवा का फीलिंग आता है। बहुत लोग उस जगह को मिनी गोवा भी बोलते हैं, तो उसका ब्लॉग भी बहुत जल्द आ रहा है। उसके लिए आपको चैनल का करना पड़ेगा सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द।